हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा देर तक अपने कानों को, अपने ईयरफोन को अपने कानों में लगाए रखते हैं, या फिर आप बहुत टाइम तक गाने सुनते हैं, या गाड़ी पर भी कहीं निकल जाते हैं तो अपने कानों में ईयरफोन को लगाए रखते हैं, या रात को कानों में ईयरफोन लगा कर सोते हो, या ज़ोर ज़ोर से गाने सुनते हो, तो फ्रेंड्स इससे होगा क्या? फ्रेंड्स इससे होगा ये, आपको आने वाले टाइम में आपको कम सुनाई देने लगेगा और हो सकता है आप बहरे भी हो जाओ आगे चल के। तो फ्रेंड्स ऐसी गलती ना करें, ईयरफोन को अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर रखिए। फ्रेंड्स अगर आप अपने ईयरफोन किसी को दे देते हो सकता है किसी सामने वाले इंसान को कानों में इन्फेक्शन हो, या आप किसी भी इंसान की ईयरफोन ले लेते हो तो कुछ कानों में इन्फेक्शन होता है। अगर वही आपने जो दूसरे बंदे से लिए हो वो अपने कानों में लगा लिए, तो इससे वो इन्फेक्शन आपके कानों में फैल जाएगा, आपके कानों में वो इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिससे आपके सर दर्द, चक्कर आना और नींद आना, आलस आना जैसी कई सारी आपको ये बीमारियाँ उत्पन्न होने लगेंगी, और धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये मुझे किस वजह से हो रहा है। तो इसका एकमात्र यही कारण है कि आप कानों में ईयरफोन को ज़्यादा देर तक लगाए रखते हो, या किसी भी बंदे के ईयरफोन अपने कानों में लगा लेते हो। तो फ्रेंड्स जो भी आप ईयरफोन लगाते हो, आपको ईयरफोन आपको बिल्कुल एक लिमिट के टाइम में यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप उस ईयरफोन को मतलब कानों में लगा ही रखें। तो आप थोड़ी, आपको तो ईयरफोन लगाना ही नहीं चाहिए कानों में, मैं तो यही कहती हूँ। आपको बहुत कम समय में 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, अगर बहुत बंदे ट्रैवल करते हैं तो उनका भी शौक़ होता है कानों में लगाए रखते हैं, तो इससे होगा क्या? इससे आपको ही नुकसान होगा, आपके बॉडी में आपको डिसएडवांटेज होने लगेंगे। तो फ्रेंड जितना हो सकता है आप ईयरफोन से बचने की कोशिश कीजिए। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ रही थी, थाईलैंड में एक बंदा था जो अपने कानों में हेडफोन लगाकर सो गया, और मतलब किसी को पता नहीं है, सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। तो मतलब उसका क्या बोलते हैं, रिपोर्टली उसकी बॉडी को जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें कुछ नहीं निकला, कैसे हुआ। तो जो पुलिस वाले लोग थे उन लोगों का कहना था पोस्टमार्टम वालों का कि जो ईयरफोन से जो तरंगे निकली थी वो उसने बॉडी में करंट उत्पन्न कर दिया था, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि आपसे जितना बन सके उतना ईयरफोन का उपयोग कम कर दीजिए आज से ही, क्योंकि इससे होना कुछ नहीं है, इससे होगा बस इतना कि आपको ही नुकसान होगा, इससे नुकसान आपको ही होना है। आपके अंदर डिप्रेशन पैदा होगा, आपको ये खाएगा, आपके बॉडी को खाएगा, इसलिए लिमिट में यूज़ करिए ईयरफोन को। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको ये टिप्स मेरी हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको कोई अपने आप से खुद से बना के नहीं बताया, ये मैंने रिसर्च किया है इस पर, इसलिए मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।